बड़ी खबर है जहां पर राइस मिल में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। धान के ढेर में एक नाबालिग बच्चा दब गया। बच्चे को इलाज के लिए परिजन ने जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जहां पर बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने राइस मिल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला नवागढ़ रोड स्थित दीपक इंडस्ट्रीज का है। सिटी कोतवाली पुलिस अब पूरे घटना की जांच में जुटी है। अधिक जानकारी के साथ रोहित कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, ये हादसा कैसे हुआ और किसकी लापरवाही इसमें सामने आ रही है? देखिए बता दूं कि जो पूरा मामला है सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रायपुर रोड स्थित दीपक इंडस्ट्रीज का मामला है और ये हादसा गुरुवार देर शाम को हुआ है। धान के ढेर जो है धान के ढेर में दबने से बच्चे की मौत हो गई है। इसके बाद राइस मिल प्रबंधन की ओर से पूरे मामले पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन जब बच्चे की मौत हुई है तब परिजन अस्पताल में रोते भी लगते पहुंचे हैं और उसके बाद से सिटी कोतवाली थाने की शिकायत की गई है। राइस मिल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत की है, कार्रवाई की मांग की है, लेकिन फिलहाल अभी तक सिटी कोतवाली पुलिस ने किसी भी के इस मामले में किसी के खिलाफ भी अपराध दर्ज नहीं किया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच करने की बात जरूर कह रही है, लेकिन एक बात और यहां पर साफ निकल कर आ रही है। जिस तरीके से अभी जानकारी मिली उसके मुताबिक बच्चे की उम्र महज 14 से 15 साल की बताई जा रही है, लेकिन जिस हिसाब से बात की जाती है कि कारखानों में या इंडस्ट्रीज में श्रमिक बाल श्रमिक नहीं रखे जाते मुगली जिले में वकील खोलकर सामने आ गई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है कि ऐसे आखिर खुलेआम कारखानों में इस तरीके से बाल श्रमिकों को कार्यरत कराए गए हैं। जी चलिए, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। भोपाल से बड़ी खबर जहां पर स्वाइन फ्लू